Uh, alaikum students myself Adil Ashraf lecture computer science uh, as you know students I'm going to teach you class 9 computer science book so it's our lecture number 17 from your book chapter number 3 input and output devices so uh, students today our lecture is about input devices so I am going to discuss in front of you the input device which one is microphone तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैनर को डिस्कस किया था तो आज के लेक्चर में हम माइक्रोफोन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो माइक्रोफोन आपके पास एक सिंपल इनपुट डिवाइस है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी होंगे कि माइक्रोफोन क्या है सिंपल वर्ड्स में जर्नल आपको एक एग्जाम्पल देता चलूँ कि जब आप कॉल कर रहे होते हैं सेलफोन से तो आपका जो आवाज़ है आपकी जो साउंड है जो साउंड डाटा है जो आवाज़ है जो ह्यूमन वॉइस है मोबाइल फ़ोन उसको कैप्चर कर रहा होता है तो वो जो आवाज़ आपकी कैप्चर हो रही होती है वो वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर और माइक्रोफोन के थ्रू वो आपकी आवाज़ को वो आपकी साउंड को वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा होता है कैप्चर कर रहा होता है सिंपल वर्ड्स में अगर आपके पास सेल है तो आप अपने सेल से साउंड रिकॉर्डर ओपन करें तो जो भी आवाज़ आपके इन्वायरमेंट में होगी वो सारी की सारी आ, वो क्या कर लेगा कैप्चर कर लेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास सिंपल ऐसे ही है जैसे अभी मैं आपके सामने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो क्या कर रहा है मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है एंड सेकेंड वन मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा है वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है तो मेरे पास क्या है हैंड फ्री है तो मैं मैं क्या करता हूँ फ्री के मिड आ, मिड में अगर आप देखें तो मेरे पास माइक्रोफोन है वो जिसको मैं अपने मुंह के बिल्कुल पास ला के ये बोल रहा हूँ और वो क्या कर रहा है मेरी साउंड को वो कैप्चर करके कंप्यूटर में कन्वर्ट कर रहा है अब वही प्रोसेस है कंप्यूटर में जीरो वन में कन्वर्ट होती है और वो आ, कुछ डिजिटल पैटर्न्स होते हैं ह्यूमन वॉइस के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर में उससे वो कंपेरिजन करता है मैच करता है और आपकी उस वॉइस को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ज़ीरो वन की फॉर्म में इसी तरह से अगर आपके पास हैंड हैंड फ्री है और उसके बाद अगर आपके पास हेडफोन है हेडफोन के साथ अगर आपने देखा होगा कि माइक जो है वो इस तरह से मुंह के पास आ रहा होता है तो वो भी आपके पास माइक्रोफोन है वॉइस रिकगनाइजेशन है इसी तरह से अगर आपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखे हैं कोई टॉक शो देखा है तो उसमें अक्सर ये होता है कि जो भी एंकर पर्सन होता है उसने अपने कान में हेडफोन लगाया होता है और जो उसका स्पीकर होता है आपको लग रहा होता है वो स्पीकर का टाइप का है और वो माइक्रोफोन जो है उसके मुंह के बिल्कुल सामने आ रहा होता है तो वो आपके पास क्या कर रहा है आपकी साउंड

इट कैन बी प्लाग्ड इन टू आ कम्प्यूटर और रिकॉर्डर जैसे सिंपल वर्ड्स में आप आ, अगर आपके पास हेडफोन नहीं है और आपको आ, एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं फेसबुक व्हाट्सएप सारे लोग यूज़ करते होंगे तो हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के के ऊपर अगर हम ऑडियो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो ऑडियो कॉल में सिंपल आपके पास वॉइस जा रही है तो आप क्या करते हैं अपने लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं और आप क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके लैपटॉप के अंदर ये माइक्रोफोन मौजूद है माइक्रोफोन मौजूद है वॉइस रिकगनाइजेशन सिस्टम मौजूद है जो क्या कर रहा है आपकी वॉइस को कैप्चर कर रहा है और नेक्स्ट प्रोसेसिंग के बाद उस पर्सन तक सेंड कर देता है जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं इसी तरह व्हाट्सएप पे अगर आप वॉइस कॉल करते हैं या आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें भी सेम पैटर्न है माइक्रोफोन आपके कंप्यूटर सॉरी सेलफोन में मौजूद होता है जो आपकी आवाज़ को साउंड को कैप्चर करता है और नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फॉरवर्ड हो जाता है वो अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि आपके पास आ, अगर कंप्यूटर में वो मौजूद नहीं है माइक्रोफोन तो आप उसको क्या सकते कर सकते हैं प्लग्ड कर सकते हैं इट कैन बी प्लग्ड इन टू अ कंप्यूटर आप कंप्यूटर के अंदर उसको प्लग कर सकते हैं लगा सकते हैं और रिकॉर्डर या वो चीज़ जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होनी है डिवाइस यूज़ होनी है उसके अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं जी बहुत सारी एप्लीकेशन्स एक्सेप्ट करती हैं इनपुट साउंड uh, की फॉर्म में और वो आपके पास माइक्रोफोन के थ्रू ही डेफिनेटली कैप्चर होगी साउंड तो देखिएगा मैनी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन कैन एक्सेप्ट इनपुट वाया माइक्रोफोन इधर वैसे लिखना चाहिए था मुझे एक्सेप्ट वॉइस इनपुट वॉइस इनपुट यानी कि आवाज़ की फॉर्म में इनपुट वो जो कैप्चर करते हैं वो माइक्रोफोन के थ्रू सिंपल है फेसबुक भी आपके पास एक एप्लीकेशन है आपके पास व्हाट्सएप uh, है आपके पास स्काइप है ईमो है यानी कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप वॉइस uh, uh, आवाज़ का अमल दखल है आप डाटा सेंड करते हो आवाज़ की फॉर्म में uh, तो वो सारी एप्लीकेशन जो हैं वो कैपेबल uh, होती हैं कि वो माइक्रोफोन को uh, आप उस एप्लीकेशन uh, के थ्रू माइक्रोफोन को यूज़ कर सकें जी स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इनसाइड द कंप्यूटर कन्वर्ट द साउंड इम्पल्सिस इन टू डिजिटल फॉर्म अब देखिएगा मैं बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली जो साउंड है ये लहरों के की शक्ल में वेव्स की फॉर्म में इंपल्सिस की फॉर्म में ट्रेवल करती है अब इसमें क्या होता है कि जब माइक्रोफोन इसको कैप्चर करता है कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है वो इस आवाज़ को इस इंपल्सिस को कन्वर्ट करता है जीरो वन की फार्म के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर और बाद में ये डिजिटल फॉर्म डेफिनेटली कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है तो वो स्टोर भी हो पाएगी मेमोरी में और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस भी अप्लाई कर सकेगा जो भी रिक्वायर्ड होंगे जी ये आपके पास सिंपल सा माइक्रोफोन है अब माइक भी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में आप आ, ने देखा होगा जब आ, लोग स्पीच करते हैं तो उनके हाथ में माइक होता है या आ, कोई भी सॉन्ग आपने सिंग करना है तो आपके हाथ में माइक होता है आप उसके सामने बोलते हैं वो सिस्टम में आ, आपकी साउंड जाती है बाद में स्पीकर्स के थ्रू वो लोगों को सुनाई देता है तो स्पीकर आपके पास आउटपुट डिवाइस है जो माइक है या माइक्रोफोन है वो आपके पास इनपुट डिवाइस है तो स्टूडेंट्स ये वॉइस रिकोगनाइजेशन सिस्टम है आ, जो ये सारा काम करवा रहा होता है माइक्रोफोन से डाटा को कैप्चर करना साउंड फॉर्म में और उसके बाद उसको ज़ीरो वन में कन्वर्ट करना कंप्यूटर में सेव करना बाद में उसको ट्रेवल करवाना नेक्स्ट आपके डेस्टिनेशन uh, तक तक आपने आवाज को बेचना है अवाइस रिकोगनाइजेशन सिस्टम यूजिंग अ माइक्रोफोन एज एन इनपुट डिवाइस वॉइस रिकिग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो इसको यूज़ कर रहा होता है माइक्रोफोन को कन्वर्ट अ पर्सन स्पीच इनटू डिजिटल डाटा अब वो डेफ़िनेटली वॉइस रिकोगनाइजेशन सिस्टम है तो ये क्या करेगा माइक्रोफोन के थ्रू पहले कैप्चर uh, करेगा साउंड को उसके बाद इसको जीरो वन में कन्वर्ट करेगा कंपेयर uh, करके एक पहले से इलेक्ट्रिकल पैटर्न जो होता है वो कंप्यूटर में मौजूद होता है और एक वो पैटर्न है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो ये क्टिकल पैटर्न कंप्यूटर में क्रिएट होगा वो पहले जो मौजूद पैटर्न है और जो अब क्रिएट हुआ ये आपस में कंपेयर होंगे इनका कंपैरिजन होगा और देन ये जीरो वन में कन्वर्ट होकर आपके पास कंप्यूटर में सेव हो जाएगा जी अब सिंपल वो स्टेटमेंट के ये अलाउ करता है यूजर को वॉइस इनपुट के लिए कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए अब स्टूडेंट्स uh, आपके पास जो वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम है ये किन किन पर्पस के लिए यूज होता है सिंपल है डटेट टेक्स टू द कंप्यूटर अब देखिएगा मैं फॉर एग्जाम्पल गूगल पर जाता हूँ और मुझे टाइप नहीं करनी है कोई चीज़ मुझे वैसे ही ओपन करनी है कोई वेबसाइट तो मैं क्या करता हूँ उधर वॉइस रिकॉर्डर टाइप का साइन आ रहा होता है उसमें क्या करता हूँ स्पीच पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे डिमांड करेगा कि आप कोई भी टेक्स्ट जो है या कोई भी चीज़ इनपुट की फॉर्म में वॉइस इनपुट की फॉर्म में आप बोलें और वो उसको कैप्चर करे यानी कि वो माइक्रोफोन का साइन होता है तो मैं क्या करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एन की साइट ओपन करनी है तो मैं कहता हूँ एन पी एस डब्ल्यू डब्ल्यू एन पी एस इस तरह से कोई भी चीज़ मैं कॉल करता हूँ तो वो एज इट इज़ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी जाएगी तो इस चीज़ को डिक्टेट टेक्स्ट टू द कंप्यूटर आप कंप्यूटर में टेक्सचुअल इनपुट भी एंटर कर सकते हैं इस तरह से वॉइस की फॉर्म में गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर सच है आप कंप्यूटर को कमांड्स भी देख दे सकते हैं कोई एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है फॉर एग्जांपल आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है तो वो वॉइस रिकोगनाइजेशन सिस्टम के थ्रू आप कह सकते हैं उसको जनरली एक कमांड दे सकते हैं पुलिंग डाउन मेन्यूज मेन्यूज को ओपन कर सकते हैं सेविंग वर्क सेविंग रिकॉर्ड आप किसी भी रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं जी अब देखिएगा आपके पास जो लेटेस्ट वॉइस रिकगनाइजेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि आप एक हिरार की एक सीक्वेंस के साथ बोलते जाएं जाएँ चीज को कैप्चर करता जाएगा लेकिन आपके पास जो ओल्डर वरियंस थे वॉइस रिकोगनाइजेशनस के उसमें क्या होता था कि आपके पास डिफरेंट पाज़ आपको देने पड़ते थे डिस्टिंक्ट पाज होता है जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ मुझे दो चीज़ें बोलनी है नारोवाल पब्लिक या सिंपल वर्ड्स में नारोवाल पब्लिक स्कूल अब मुझे क्या करना है नारोवाल पब्लिक स्कूल को एक साथ नहीं बोल देना जो ओल्डर सिस्टम है वो इस तरह से इस चीज़ को कैप्चर करते हैं कि मुझे इन तीनों वर्ड्स के दरमियान कोई सिंपल सा पॉज देना पड़ेगा जो तीनों वर्ड्स को सेपरेट करे यानी कि नारोवाल जब मैं बोलूँगा तो नारोवाल बोलने के बाद जब मैं स्टॉप हो जाऊँगा कुछ टाइम के लिए तो ये वो सिस्टम समझेगा कि इधर एक वर्ड ख़त्म हो गया और नया वर्ड शुरू होने लगा उसके बाद यानी कि एक वर्ड की एंडिंग और दूसरे वर्ड की बिगनिंग इस चीज को वो डिफर कर रहा होता है तो नारोवाल पब्लिक स्कूल अगर ओल्डर सिस्टम में मुझे बोलना है तो मैं क्या करूंगा नारोवाल जी ये थोड़ा सा पॉज दिया मैंने उसके बाद पब्लिक जी स्टॉप उसके बाद स्कूल अब ये तीन वर्ड्स हमने एक डिस्टिंक्ट पॉज दे के बोले तो ये ओल्डर सिस्टम था जी दिस अलाउज द मशीन टू डिटरमाइन वेयर वन वर्ड बिगिंस एंड द नेक्स्ट स्टॉप्स जी दिस टाइप ऑफ डिक्टेशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्पीच इसको डिस्क्रीट स्पीच बोलते हैं मैनी पीपल प्रेफर दिस सिस्टम टू द न्यूअर कंटिन्यूस या कंटीजूस स्पीच यानी कि जो कंटीज़स स्पीच है उसके ऊपर लोग ये जो डिस्क्रीट स्पीच है इसको प्रेफर करते हैं जी स्टूडेंट्स तो ये था आज का आपका लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा इसको रीड कीजिएगा गो थ्रू कीजिएगा अच्छे से लर्न कीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है थैंक यू वेरी मच अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह